तो जब से ये वाला हैमस्टर का अपडेट आया है तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि भाई हम अब EVI में ले क्या हैमस्टर का एयर ड्रॉप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस, आपको क्या करना है, आपको कौन सी एक्सचेंज में लेना है। यहाँ पर EVI के बारे में भी बताऊंगा मैं किस तरीके से आपको इसको वैलेट को ऐड करना है कि नहीं करना, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपको यहाँ पर KYC में कोई दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, बाइनेंस में या OKX में या YBIT में आप नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर लिख रहा है यू कैन आल्सो यूज़ EVI। यहाँ पर EVI में कर सकते हैं, यहाँ पर नो KYC और नो गैस फीस, यहाँ पर कोई भी गैस फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पर गैस फीस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आपको 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे आप सिंग अप करेंगे तब, और यहाँ पर 12,500 पॉइंट्स तब मिलेंगे जब आपको हैमस्टर का एयर ड्रॉप जब क्लेम करेंगे तब मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके का लालच है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात यहाँ पर आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें आपको बाइनेंस में विड्रोवल इसका एयर ड्रॉप लेना है मतलब, तो यहाँ पर आपके लिए बाइनेंस सबसे अच्छा रहेगा। आप ना ही OKX में जाएँ और ना ही Bybit में जाएँ और ना ही वैलेट इन टेलीग्राम में। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बाइनेंस को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपके बेनिफिट रहेंगे काफ़ी सारे और ना ही कोई आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको गैस फीस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पर हैमस्टर लगातार रोज अपडेट ला रहा है काफ़ी, तो यहाँ पर हो सकता है इसका भी अपडेट आ जाए और आपको गैस फीस की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, उसमें मैंने पूरी जानकारी दे दी है बाइनेंस के बारे में, तो उसको जाके चेकआउट करना आप, उसको देखना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।